सो हाय गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। भाई अभी धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और आज है अपना पेपर यूपी पुलिस का। तो वैसे तो मैं देने जा नहीं रहा था पर पापा की जोर जबरदस्ती की वजह से जाना पड़ रहा है। फिलहाल खा रहे हैं अपना ओट्स और मेरे साथ उठी हुई है ये, और ताकि कुछ खा पी लूँ। कुछ बना दिया इसने, मम्मी के भरोसे रहता था कुछ नहीं मिलता। अभी कर रहे हैं दोस्त के साथ आना है रैपिडो बुक। अब जैसे आती है वैसे निकलते हैं और ट्रिप में देखते हैं क्या क्या होता है। लेट्स सी एंड वॉच, और आप तो वॉच कर ही रहे हो। चलते हैं फिलहाल आगे। तो फिलहाल के लिए भाई माता रानी के वैसे दर्शन मैंने तो कर लिए थे, मैंने पूजा भी कर ली, एक दर्शन करा लेते हैं। और अभी फिलहाल के लिए पन्नी पैक है क्योंकि यहाँ पे चल रहा है वर्क। ये देख लो भाई, गंदा भी होता अभी। तो अभी चलते हैं नीचे, शायद आज में ऊपर का भी काम खत्म हो जाएगा। अब हम निकलते हैं घर से जल्दी से। नागले में एक बंदा खड़ा है, उसके साथ जा रहा हूँ। हर्ष भाई है तो उसी के साथ जा रहा हूँ। भाई बाकी सब सो रहे हैं देखो, तो इसलिए धीरे धीरे बोलता हूँ। अगर उठ गए तो गाली आप देंगे। गली का हाल कुछ इससे लगे हुआ है। ये कह रही थी पेपर देने जा रहे हो या फिर वीडियो बनाने हैं। मैंने वीडियो बनाने का कोई मौका देखना होता है बस, है ये जगह पड़ी हुई है। अब ये सोएगी, अब मैं जाऊँगा तो जल्दी से जाते हैं। डब्बू आ रखा है, डब्बू की तो फट गई रात में, हवा खमक के हक रहा था बिल्कुल, हैं उल्टी दस्त लग गए। राजमा चावल पेल पेल के खाया था जब तो। चलो भाई फिलहाल निकलते हैं और आपको कनेक्ट करते हैं आगे। फिलहाल के लिए भाई हेलमेट ले लिया, अरे अपन चल रहे हैं अभी लाल मंदिर की साइड। देख रहे भाई पूरा अंधेरा ही है अभी, पूरा सुनसान है। जाते हैं देखते हैं भाई लाल मंदिर से रिक्शा मिलता है कि नहीं, लेट्स सी। फिलहाल भाई लाल मंदिर पे तो कोई रिक्शा दिख नहीं रहा, ये देखते हैं कोई आता है तो। नांगलाई फिलहाल के लिए भाई पहुंच चुके हैं अपना नांगलोई। ये रहा अपना मेट्रो स्टेशन, अभी भाई आएंगे 10 मिनट में, तो भाई का वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए भाई आ चुके हैं, भाई ने वैसे बहुत लेट लगाया है। ये भाई तो साथ चल रहा है, तो अपनी राइड हो चुकी है स्टार्ट, अपनी राइड हो चुकी है स्टार्ट। तो जैसे जैसे रास्ते में जो भी फन रहेगा वो सब आपको दिखाएंगे। फिलहाल भाई पहुंच गए अपना 10 मिनट की राइड के बाद अपना बाईपास। फिलहाल हम स्कूल के पास पहुंच चुके हैं, सेंटर के पास। तो पनीर पकौड़ा खा लिया, हम मात्र 2 घंटे में हम पहुंचे हैं। मनोगे ड्राइवर साहब? 1.5 घंटे में, 2 घंटे में मैंने लगाई है गाड़ी। 7:30 गैस ट्रैवल की हो गई है, राइडर गाड़ी ड्राइव करने आती है बढ़िया कर गया। बात तो लगा फट रहे थे पैसे से, चलते हैं सेंटर दिखाते हैं भाई आपको भी। भाई फिलहाल के लिए हमने अपनी यात्रा फिर से स्टार्ट कर दी है। तो अभी चलते हैं भाई अपना सेंटर, मात्र 17 किलोमीटर दूर रह गया है। और भाई रास्ता काफी ज्यादा बढ़िया था, फड़फड़ फड़फड़ आवाज आ रही है। पन्ने
130 किलोमीटर भाई मे भी 1.5 से 2 घंटे में कवर करा है। और भाई रूट देखोगे, रूट एक नंबर। अपने सेंटर पर पहुंच चुके हैं भाई, और ये रहा अपना एडमिट कार्ड, और अभी चलते हैं अंदर फोन वोन यहीं जमा करके भाई के पास, ठीक है। कहीं जाओगे तो यहीं से कैमरा ऑन करके आगे की ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो करते हैं अभी फिलहाल के लिए 2 घंटे के लिए ब्रेक लेते हैं, पेपर दे के आते हैं। ऑल द बेस्ट बोल देना भाई कमेंट सेक्शन में मेरे को। जमा करने वालों की भीड़ है तो बैग जमा करते हैं और फिर आपको कनेक्ट करते हैं जब पेपर दे के आ जाएंगे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और ये वीडियो देख सकते हो भाई, ये मेरा स्कूल है जो जहाँ मेरा सेंटर पड़ा है। तो अभी आपको थोड़ी देर में कनेक्ट करते हैं। तो भाई फिलहाल के लिए तो भाई का पेपर हो गया है एकदम। हो गया, कैसा रह गया पेपर भाई? बहुत बेकार। तुक्का भेड़ गया हूँ, अकड़ बकड़ बम्बे, वो मम्मी ने सिखाया था बचपन में, कुछ ना आया तो कुछ भी भेड़ दो, खाली नहीं छोड़ना। हाँ यही से राइट। तो भाई अकड़ बकड़ बम्बे वो तो कराया हूँ मम्मी ने बचपन में, ये नहीं मतलब मम्मी ने बचपन में तो सिखाया था अकड़ बकड़ का, पर लेकिन यार अभी तो क्या है माइनस मार्किंग भी है, मैं तो भूल ही गया था माइनस मार्किंग है। अकड़ बकड़ ने तो काम खराब कर दिया, पकड़ पकड़ हो जाएगा मेरे साथ। चलो भाई फिर से हम दिल्ली के लिए हो चुके हैं रवाना। टाइम हो रहा है 2:30, देखते हैं कब तक दिल्ली पहुंचते हैं। अरे भाई भूख भी लग रही है, खाना भी खाएंगे। और अंकल कैसे हो? अब अंदर तो आओ, रुक तो जा। हाँ तो क्या, मैं आ गया। रुक जा, पंखा चला, रुक जा बाबू, रुक जा। अब बता, अरे कहाँ गया था? भाई ये सुबह से इसने मेरे को नहीं देखा, परेशान हो गया। अरे बस कर, ठीक है, बस। ले 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 गया था, बता दे तू कहाँ गया था? ये भाई परेशान था आज, मैं नहीं था वैसे मेरे साथ ही खेलता। डीचो जा पानी की बोतल ला, ये बैठ गई। कहाँ गई थी बाबू तू? तो भाई फिलहाल के लिए आ चुके हैं अपना घर, अब पानी पीते हैं, कुछ खाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। गर्मी में पसीने है, मुंह हाथ धोना है यार, मुंह पे बहुत धूल जम गया है।